स्थापना दिवस के अवसर पर आरपीएफ ने लगाया रक्तदान शिविर। आज आरपीएफ मुकामा ने मुकामा रेलवे स्टेशन पर रक्तदान शिविर लगाया। रक्तदान शिविर में आरपीएफ मुकामा पोस्ट और ट्रेनिंग सेंटर के अधिकारियों, जवानों एवं कुछ स्थानीय लोगों ने रक्तदान किया। आरपीएफ इंस्पेक्टर हरिकेश मीना ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान के बारे में सर बताया, आज जो कैंप लगा है। रक्तदान जो है आज मोकामा आरपीएफ पोस्ट की तरफ से किया गया है, जिसमें आरपीएफ पोस्ट के सहयोग में आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर मोकामा घाट भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हमारे ट्रेनिंग सेंटर के लगभग 10 बल जो है इसमें सहयोग करने के लिए आए। और रक्तदान बहुत महादान है, इसको लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए सभी को, ताकि अगर किसी को जरूरत पड़े तो गरीब या किसी तरह का उनको जो है मदद मिल सके, उनको इधर उधर जाना ना पड़े। इसके चलते जो है सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हम लोग तो घर लगे हुए हैं, आम लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल जी सर, आज स्टेशन पर आरपीएफ के द्वारा रक्तदान मुहिम छेड़ा गया है, इसके बारे में बताएंगे। उसी के उपलक्ष्य में किया गया सर। कितना यूनिट सर अभी तक हो पाए, कितने जवान? 16 ड्रोन।